हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमएसके इंजीनियर। सो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे फ्रेंड ने क्वेश्चन में पूछा तो मैं उसमें एक्सप्लेन करता तो समझ में नहीं आता शायद, और प्रॉपर मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता उसमें मैसेज में जाके। तो आपका मैसेज रहता है उस पर मैं छोटा छोटा वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो उसी बेसिस पे मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं मेन मेन्यू में हम जाते हैं, सपोज आप ये देख सकते हैं मैं मेन मेन्यू में चलता हूँ, स्टेटस इसका मतलब है, स्टेटस में जाते हैं और स्टेटस में आने के बाद ये हमारा मेन मेन्यू रहता है। तो इसमें हमारा क्या है, आप पूछ रहे थे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या रहता है, वांटेड, WTD, वांटेड मतलब WTD का मतलब है वांटेड, कितना कंप्रेसर वांट है चलने के लिए। अगर हमारा ये टेम्परेचर जो है ये अगर सेट पॉइंट जो हमारा नीचे सेट पॉइंट है टारगेट, इससे ज्यादा है तो ये चलेगा। अभी हमारा स्टैंड बाई चिल रही है, हमारा जो चल रहा है उस पर भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं WTD मतलब वांटेड है, कितना कंप्रेसर वांटेड है इस चिलर को चलने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर हमारा हो गया है उस कंडीशन में। और ACT मतलब एक्चुअल, जब ये वांटेड वन होगा तो कुछ देर के बाद जब कमांड आ जाएगा कंप्रेसर पे तो ये एक्चुअल में दिखाएगा जो चल रहा है, कितना चल रहा है, एक्चुअल कितना चल रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा, और वांटेड कितना है वो यहाँ पे। अब सपोज यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, तो एक ही वांटेड था, एक ही चल रहा है। अब यहाँ वांटेड टू है और यहाँ पे एक्चुअल वन है, तो इसका मतलब है कि हमारा दो कंप्रेसर रिक्वायरमेंट है चलने का, लेकिन चल अभी एक ही रहा है, तो दूसरा वाला चलने वाला है। लेकिन कब चलेगा, जब वांटेड डिले टाइम कंप्लीट करेगा। तो डिले टाइम जो परसेंटेज कब कंप्लीट होगा, जो डिले टाइमिंग है सेकंड है, ये डिले टाइमिंग का सेकंड है। जब ये जीरो आएगा तो यहाँ पे ये प्लस होगा, इसमें कुछ जैसे 5 है, 10 है, 4 है, 2 है, ऐसा प्लस होता जाएगा। फिर ये जीरो आएगा, फिर ये 210 आएगा, फिर ये 110 से स्लोली जीरो आएगा। जैसे जीरो आएगा तो यहाँ थोड़ा प्लस हो जाएगा, तो जैसे यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये जब 100 होगा और ये यहाँ पे जीरो आएगा, तब हमारा जो वांटेड था ये यहाँ पे एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वांटेड है WTD, ये एक्चुअल जो चल रहा है, ये वांटेड जो WTD वांटेड परसेंट है, कितना परसेंट रिक्वायरमेंट है अभी, या तो वांटेड कंप्रेसर है एक कंप्रेसर, बट कितना परसेंट, तो 100% आएगा तभी चलेगा। दूसरा डिले टाइम, तो क्या डिले टाइम है, जो वांटेड कंप्रेसर है इसका ये डिले टाइम है। और ROC मतलब रेट ऑफ चेंज, ये जो रेट ऑफ चेंज जो है इसके अंदर प्रोग्रामिंग में रहता है, जो कितने टाइमिंग में चेंज होगा इसका रेटिंग जो है, ये जो डिले टाइमिंग का रेटिंग है जो परसेंटेज का, इसका चेंजिंग हो रहता है, तो ROC रेट ऑफ चेंज उसको बोलते हैं। बाकी आपको मालूम है मोड जो रहता है, कूल्ड मोड पे डालते हैं हम लोग, टारगेट हमारा जो है ये सेट पॉइंट है हमारा जो 44 है, बाकी हमारा 48 हमारा जो ये लिविंग है, और हमारा ये एंट्रिंग है जो रिटर्न वाटर जिसको बोलते हैं, ये लिविंग जो आउटलेट जो चिलर से जा रहा है बस हमारा। और रन स्टॉप स्विच ऑफ मतलब हमारा अभी ये रन स्टॉप स्विच ऑफ स्टैंड बाई है, बाकी टाइमिंग के ऊपर आप ये देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया, यही आपका क्वेश्चन था, तो हमारे ख्याल से आपको मिल गया होगा आपका आंसर। और रनिंग में आपको दिखा देता हूँ रनिंग में जो कैसा है, आपको तो स्टैंड बाई का चिलर एक्सप्लेन किया, अभी देखें ये यहाँ पे हम आपको लेके आए हैं और आपको स्टेटस में लेके जाते हैं, स्टेटस में लेके आए, देखिए ये एक वांटेड है, एक्चुअल में एक ही चल रहा है, वांटेड परसेंट देखें, वांटेड परसेंट 81 है, मतलब एक कंप्रेसर तो वांटेड है लेकिन 100% नहीं, 81% मतलब अभी नहीं चलेगा, अभी एक ही चलता रहेगा। जब ये 100 होगा तो यहाँ दो आ जाएगा, वांटेड टू, तब यहाँ 100 होगा तो मतलब दो रिक्वायरमेंट है, अभी रिक्वायरमेंट है 84%, तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अभी ये देखें डिले टाइम डाउन हो रहा, डिले टाइम देखें डाउन होता जा रहा, जब ये जीरो पे आएगा तब यहाँ कुछ परसेंट बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ चेंज 0-0 है, मतलब कुछ अभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर 47 लिविंग है, 40 ये रिटर्न, तो ये ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसका। अगर हीट रहता है यहाँ पे 50 के ऊपर तो ये फास्ट चलता था, अभी 99-93, तो ये हमारा रनिंग, अभी देखें एक रनिंग है, एक ही वांटेड है, अभी दो वांटेड होगा, एक ही रनिंग रहेगा, लेकिन जब ये परसेंटेज कंप्लीट करेगा तो हमारा ये रन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंप्लीट वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा, कंप्लीट वॉच करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।